इलेक्शन सिर्फ उसी सूरत में होंगे जब सीनियर सहाफी हामिद मीर ने बड़ा राज फाश कर दिया। निजी टीवी के प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए हामिद मीर का कहना था कि उन्हें इलेक्शन कमीशन के ऐलामिये में इंतखाबात का इनेकाद नजर नहीं आता। इलेक्शन तो 90 दिन के अंदर यानी नवंबर में हो जाने चाहिए, जनवरी में इंतखाबात वैसे ही आइन से इनहराफ है। हम तो आईने पाकिस्तान के पाबंद हैं, इलेक्शन कमीशन पता नहीं किसका पाबंद है। सीनियर सहाफी ने मजीद कहा कि अगर नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आ जाते हैं तो फिर तो इलेक्शन ऐलान करदा वक्त पर हो जाएगा, लेकिन अगर वो ना आए तो इंतखाबात एक बार फिर मुलतवी हो सकते हैं। हामिद मीर का कहना था कि अगर लीगी कायद आइंदा माह वापस आ गए तो फिर इलेक्शन जनवरी के आखिरी या फरवरी के पहले हफ्ते में मुनक़िद होने का इम्कान है, लेकिन दूसरी सूरत में इलेक्शन कमीशन फिर कोई ना कोई जवाब बनाकर इंतखाबात में मजीद ताखीर कर देगा।